जगह मोहाली के साथ खरड़ में लोकेटेड है। इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 109 स्क्वायर यार्ड, प्राइस जो है 40 लाख है और ये रेडी टू मूव है। आइए तो मैं आपको कोठी के अंदर लेके चलती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी जो है मेन एंट्रेंस गेट रहेगी, जहाँ पे आप किसी भी अपना जो है फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। ये आपकी आ जाती है कार पार्किंग, काफ़ी स्पेशियस है और इसके साथ ही स्टेयर्स के नीचे हमने स्पेस दिया है जहाँ पे ये आप अपना स्टोर भी रख सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो घर के अंदर ना रखे वो बाहर रखे, लाइक शूज एंड डॉल एंड ऑल। और ये आ जाता है आपका पॉर्च एरिया जिसमें कि टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। और हमने वहाँ पे टैप्स भी दिया, प्लीज कैमरा मैन इधर लेके जाइए, टैप्स दिखाइए कि आप कपड़े वगैरह बाहर वॉश करके सुखा भी सकते हैं इनको। ये हमने टैप्स भी दिया है, इसको आप ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं, अपने फ्लावर वगैरह रख सकते हैं बाहर। तो आइए मैं लेके चलती हूँ आपको अंदर की ओर। जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं तो ये आ जाता है हमारा वुडन, इसमें जो है हमने वुडन का वर्क करा है और इसमें लाइट्स वगैरह भी है और अभी रात को लाइट्स भी जल रही है। और ये आपकी आ जाता है मेन डोर, नेट डोर जिसको कहते हैं। ये देख सकते हैं ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत है देखने में, एक बार दिखाइए। और ये आपकी जो है रूफ के लिए स्टेयर्स जाती है, रूफ पे भी मैं आपको लेके चलूंगी, पहले हम अंदर का इंटीरियर देखें। और जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे लेफ्ट साइड में आता है लिविंग एरिया एंड राइट साइड में आता है किचन। तो पहले हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। ये अपना जो है लिविंग एरिया है जो काफी ज्यादा स्पेशियस है देखने में भी, और अभी इसमें थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो भी हम जब कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। और ये आपकी आपकी LCD पैनल जिसमें हमने वुडन का टच दे रखा है जो काफी खूबसूरत लग रही है, इसमें लाइटिंग भी हो रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो प्लीज आप एक बार जूम करके दिखाइए। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे बनाया है मंदिर जहाँ पे आप पूजा वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज के लिए दे रखा है, जैसे पूजा का सामान हो तो आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इधर भी हमने कबर्ड वगैरह बना रखे हैं। और इस साइड भी हमने कबर्ड दे रखे हैं, ये देख सकते हैं, ये आपकी जो है हाइड्रोलिक कर देंगे, ये देखिए। और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे भी डेकोरेटिव आइटम कुछ भी रख सकते हैं, फ्लावर या कुछ भी हो वो रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये जो है लिविंग एरिया है, इसमें टाइल्स भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। और इसी के साथ ही यहाँ पे अभी वॉलपेपर लगना बाकी है, वो भी हम लगा देंगे, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट जब हो जाएगा तो तब मैं आपको वीडियो पूरी दिखाऊंगी। और ये हमने AC का प्रोविजन भी दिया है यहाँ पे। और अगर हम ऊपर देखें तो डाउन सीलिंग विद वार्म लाइट, ब्लू वार्म लाइट, इसमें अभी फैन का प्रोविजन भी दिया है, फैन भी अभी लगना बाकी है। और इसके साथ ही आ जाता है आपका आपकी विंडो, कि हर घर के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेंटिलेशन, तो ये आपकी वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो। आप यहाँ पे अपना सोफा भी प्लेस कर सकते हैं या बेड अगर आपने लगवाना है वो भी आप लगवा सकते हैं। और तो इस साइड भी आप अपना सोफा या डाइनिंग टेबल ये सारी चीजें प्लेस कर सकते हैं। और ये आता है आपका वॉशरूम, ये वॉशरूम में आपको फुल हाइट तक जो है टाइल वर्क रहेगी। ये आपका शावर, गीजर और नीचे टैप, जो भी हमने बात फिटिंग करी है वो सारी सेहरा ब्रांड की है, एक बार ब्रांड भी दिखा लीजिए। और इसके साथ ही आपकी आ जाती है वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये रहेगा आपका वॉश बेसिन। और जो भी हमने नीचे फ्लोर में बात वॉशरूम के फ्लोर में जो भी हमने टाइल्स लगाई है वो एंटी स्किड्स है, इसमें जो है फिसलने का डर नहीं रहता है। और एक वॉश बेसिन जो है हमने यहाँ पे लिविंग एरिया में भी दे रखा है, ये काफी फैंसी लुक में है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें नीचे स्टोरेज कैपेसिटी है, आप यहाँ पे अपना कुछ भी ब्रश या हो या फेस वॉश एंड वो सारी चीजें आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें भी
भी रह चुका है, इसको हम कवर ही कर देते हैं जैसे था ये। तो इसके बाद आइए मैं लेके चलती हूँ आपको किचन में। ये आपका जो है किचन रहेगा, मॉड्यूलर किचन। इसमें आपको प्रॉपर जो है वार्डरोब्स बना के दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे जो है हमने ग्रे कलर के बनाए हैं। और इधर जो है आपकी ये आ जाता है आपका डस्टबिन एरिया, और ये रहता है आपकी सिंक, जहां पे आप एक सिंक में आप अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं और एक में आप रख सकते हैं सुखाने के लिए। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इस साइड भी देखो कबर्ड वार्डरोब बनाए हैं, हाइड्रोलिक है, काफी स्टोरेज कैपेसिटी है ये देखिए। एंड ऊपर हमने जो है गीजर का पाइप भी प्रोवाइड करवाया है, अभी यहाँ पे चिमनी लगनी बाकी है। और एक चीज और देखिए, जैसे नॉर्मल हाउसेज या फ्लैट में होता है जाली सी लगती है तो उसको बाहर से कवर नहीं करते, तो हमने क्या करा है इसको बाहर से वुडन का टच दिया है, और जो भी इसके अंदर से जालियां वगैरह जो भी लगी है वो इसके अंदर से लगी है। एक बार आके आप दिखा दीजिए, ये देख सकते हैं इसमें जाली ऑलरेडी हमने लगा रखी है और बाहर से इसमें वुडन का टच दे रखा है, और यहाँ पे चिमनी लगेगी आपकी। और ये जो है हमने ग्रे नाइट ग्रे का मार्बल यूज करा है जो काफी ग्रेस दे रहा है आपकी किचन के लुक को। ये आपके यूटेंसिल्स, और ये रहेगी आपकी प्लेट्स, प्लेट सेट, कटलरी सेट, इसमें सारे आपके वो आ जाते हैं। और यहाँ पे आप अपना सिलेंडर वगैरह रख सकते हैं इजीली, और इसके साथ ही इधर भी वार्डरोब्स है, एक्चुअली खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी अंबुजा सीमेंट गिरा है। तो इधर देखिए ये सारे वार्डरोब्स, काफी स्टोरेज कैपेसिटी है, आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ आ जाता है आपका फ्रिज भी लगा सकते हैं आप। और आइए तो मैं लेके चल रही हूँ आपको बेडरूम की ओर। ये अपना जो है फर्स्ट बेडरूम है, जैसे कि आप आइए अंदर अंदर थोड़े से फास्ट। और इसके साथ ही यहाँ पे हम जो है बेड प्लेस कर सकते हैं, और ये आपके जो स्विचेस है ये सारे एंट्री के स्विचेस है, और ये हमने इस साइड और उस साइड इसीलिए लगाए हैं क्योंकि आपको ज्यादा दूर उठ के उधर ना जाना पड़े चार्जर के लिए। और उसके साथ ही इस साइड को आपके आ जाता है वार्डरोब्स, जो कि हाइड्रोलिक कवर्स हमने बनाए हैं, काफी ज्यादा स्पेशियस है देखने में। यहाँ आप अपने क्लोथ्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस साइड भी स्पेस है देखिए। और उस साइड को हमने जाली से कवर कर रखा है, तो आइए मैं लेके चलती हूँ आपको सेकंड बेडरूम की।
वॉलपेपर वगैरह जो है वो कल लग जाएंगे, तो मैं कल आपको फिर एक बार पूरी स्कूटी की वीडियो दिखाऊंगी। और अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और ये अपना आ जाता है सेकंड बेडरूम, इसमें जो है आपको यहाँ पे भी सेम एज इट इज जैसे आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था वैसा ही सेम है। यहाँ बेड प्लेस कर सकते हैं, एसी लगा है, सॉरी एसी का प्रोविजन दिया है, और यहाँ पे वॉलपेपर लगना भी बाकी है, वो भी लग जाएगा। इस साइड को फुल हाइट तक कवर्स, ये भी सारे जो है स्लाइडिंग कवर्स है। मतलब घर बनाना भी चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पास ये वाली वॉल रही थी तो इस पे हमने जो है पूरे में कबर्ड्स बना दिए हैं और ऊपर भी हमने कबर्ड बनाए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही ऊपर आ जाती है आपकी डाउन सीलिंग, और बेड के जो है फ्रंट में ही आपको रहता है एलसीडी पैनल, ये देख सकते हैं। ये जो है व्हाइट कलर आपके इसके साथ मैच कर रहा है और फ्लोर की टाइल्स के साथ, और ये यहाँ पे जो है वॉलपेपर रहे थे, ये वॉलपेपर होते हैं, फिर इसमें कुछ पेस्टिंग पोस्टिंग होती है, फिर इसको पेस्ट करते हैं। और ये रहे आपके बेड के बैक में, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, और यहाँ पे जो विंडो है यहाँ पे आप अपना जो है एसी भी लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी। और ये आपकी आ जाती है वॉशरूम, सॉरी स्प्लिट एसी नहीं विंडो एसी, और ये आता है आपका वॉशरूम। और इसमें जो हमने शीट है ये हिंदी शीट है, और इस साइड को आपका रहता है वॉश बेसिन। ये था हमारा 109 केयर यार्ड में हाउस बना हुआ जिसका प्राइस है 40 लाख। और अगर आप भी हमसे बाय करने में इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारी साइट भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें प्लीज। और थैंक यू सो मच।